सो हे फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से YT भारत चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे धरती के स्वर्ग के बारे में, और वो एक ही है जिसको ये भी कहा जाता है इंडिया के अंदर कि अगर धरती पर स्वर्ग कहीं है तो यही है, यही है, यही है। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कश्मीर के बारे में, और मेरे बहुत सारे व्यूअर्स डिमांड कर रहे थे कुछ दिनों से कि कश्मीर पैकेज के बारे में भी बताइए, वीडियो बनाइए, क्योंकि जैसे जैसे अब स्नोफॉल का मौसम आ रहा है तो स्नोफॉल कैप माउंटेन्स को देखने वाले जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, जो टूरिस्ट हैं, वो भी इन जगहों पर जाने के लिए पैकेज को सर्च कर रहे हैं। तो आज YT भारत चैनल पर अपने व्यूवर्स की डिमांड को फुलफिल करते हुए मैं पैकेज बता रहा हूं आपको कश्मीर का, या और कश्मीर के इस पैकेज के अंदर फ़्लाइट्स की टिकट अगेन फिर से इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि फ़्लाइट्स की टिकट में बहुत ज़्यादा अप डाउन आ रहा है। तो विदाउट फ्लाइट की टिकट केवल कश्मीर में पूरा घूमने फिरने का आपको कॉस्ट बताएंगे, और वो भी जो मैं आपको कॉस्ट पे पैकेज दिलवा रहा हूँ वो कॉस्ट आपको लगभग शायद इंडिया के अंदर सबसे कम कॉस्ट पर आपको ये पैकेज दिया जा रहा है। ऑथेंटिकेट पैकेज है, ट्रैवल एजेंट नंबर वन है, सारी सर्विसेज आपको नंबर वन के प्रोवाइड किए जाएंगी, कोई भी किसी भी तरह का फ्रॉड नहीं है, क्योंकि मैं इसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू खुद पैकेज बुक कर रहा हूं, और पैकेज बुक करके पिछले 4-5 सालों से इसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू केरला, सिक्किम या आपका कश्मीर हो गया, यहाँ पर मैं इन रीजन्स में इसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू जा रहा हूँ। इस ट्रैवल एजेंट का नंबर और नाम मैं आपको वीडियो के टाइटल में भी दे रहा हूं, और इसके साथ साथ टाइटल में देने के साथ साथ वीडियो का जो आपका डिस्क्रिप्शन है उसमें भी पूरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया जा रहा है। तो जाइए, कॉन्टैक्ट करिए, और अगर बुक करवाना चाहते हैं कश्मीर का पैकेज तो देर ना करिए, बुक करवा लीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी वो टाइम आने वाला है जिस टाइम का हम पूरे साल वेट करते हैं। कहाँ कहाँ पर आपको घुमाया जाएगा एक बार आपको वो छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ। सबसे पहले आपको घुमाया जाएगा श्रीनगर, श्रीनगर के बाद गुलमर्ग, गुलमर्ग के बाद पहलगाम, और पहलगाम के बाद आपको ले जाया जाएगा सोनमर्ग, और सोनमर्ग से वापस आप श्रीनगर आएंगे, और वहाँ से आपका डिपार्चर हो जाएगा जो भी आपकी बेस सिटी है। तो बेस सिटी पर आप जाएंगे इस पैकेज को पूरा कंप्लीट करके, लेकिन यकीन मानिए वो एक्सपीरियंस होगा मानो कि आप धरती के स्वर्ग पर आ गए हैं, वो बात आपको सच होती सुनाई देगी। और मैं आपको फिर से प्रीफर करूंगा कि आप दिसंबर और जनवरी के लिए इस पैकेज को अभी से ब्लॉक कर लीजिए, क्योंकि इस टाइम में जब आप जाएंगे तो जो आपको अनुभव होगा आप वो शायद बयां करने लायक भी ना रहें, इतना बेहतरीन एक्सपीरियंस होता है। आप बस जाएंगे तो आप हमेशा याद करेंगे YT भारत चैनल को। आइए शुरू करते हैं इस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो को। और हाँ दोस्तों, अगर आपने YT भारत चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे नीचे रेड बना रहा है, क्लिक करो सब्सक्राइब बटन को, क्लिक करके ऑल को जरूर सेलेक्ट करना, ताकि आगे आने वाले सभी बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें सबसे पहले, वो भी फ्री में। और आप इसके साथ साथ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, और अगर कोई फ्रेंड जाने वाला है या जाना चाहता है या हनीमून पे जाना चाहता है तो आप इस वीडियो को उसको शेयर कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं इस बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो को, चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन में। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों आ गए हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन में, और लैपटॉप की स्क्रीन में आने के बाद सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पैकेज हमें सेंड किया है क्रिएट माई बुकिंग, एक वेबसाइट है उसके थ्रू हमने इस पैकेज को मंगवाया है। और अगर आप भी इस पैकेज को बुक करना चाहते हैं तो createmybooking.com पर जाकर के बुक कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको नंबर यहां पर प्रोवाइड कर रहा हूं, यहां पर गौरव कुमार जी ने ये पैकेज मेरे को सेंड किया है, ये उनका नंबर है 8010428280, ये ईमेल आईडी है, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं info@createmybooking.com, और इनकी वेबसाइट है createmybooking.com। तो ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर था। अब आगे चलते हैं इस बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही चीप एंड बेस्ट पैकेज के बारे में सारी जानकारी हासिल करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा कि धरती के ऊपर सबसे खूबसूरत स्थानों में कश्मीर का स्थान जो है वो नंबर वन पर आता है, और अब हम इसी नंबर वन के स्थान पर घूमने के बारे में आपको बता रहे हैं।
इसके अंदर जैसे मैंने पहले बताया फ्लाइट की टिकट इंक्लूडेड नहीं है, तो आप जब श्रीनगर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे तो वहां पर आपको जो ड्राइवर है वो आपको पिक करके श्रीनगर के होटल में चेक इन के लिए ले जाएगा। आप होटल में चेक इन करिए, उसके बाद आपकी हाफ डे की साइट सीन स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा रेस्ट करने के बाद, होटल में फ्रेश होने के बाद, वहां पर आप हाफ डे का साइट सीन करिए और ओवरनाइट करिए श्रीनगर के होटल में। इस पैकेज के अंदर आपका ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूडेड है इसी कॉस्ट में, और जो आपका साथ में ड्राइवर जा रहा है वो आपको जिस भी डेस्टिनेशन पर ले जाएगा उसके बारे में एक गाइड की तरह भी आपको बताएगा, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। तो ये सबसे अच्छी बात है इस पैकेज की। तो आप श्रीनगर के मुगल गार्डन में हाफ डे की साइट सीन करेंगे, उसके बाद वापस आ जाएंगे अपने होटल के अंदर। जैसे यहाँ पर पूरी डिटेल बताई गई है, अराइवल एट श्रीनगर एयरपोर्ट एंड ट्रांसफर टू श्रीनगर, चेक इन टू होटल, गेट आफ्टर लेक्स, एंजॉय मुगल गार्डन, हाफ डे के लिए टूर करिए, ओवरनाइट स्टे करिए इन श्रीनगर होटल में। मुगल गार्डन में क्या क्या है आपका? निशंत है, द गार्डन ऑफ डिलाइट, शालीमार है, द गार्डन ऑफ लव, चश्मा शाही है, द रॉयल स्प्रिंग। तो ये पूरे मुगल गार्डन के अंदर तीन हिस्से हैं, निशंत, शालीमार और चश्मा शाही। इन तीनों को आप विजिट करेंगे हाफ डे के अंदर, वापस आकर के स्टे करेंगे होटल में ओवरनाइट। उसके बाद ये था डे वन। अब चलते हैं डे टू पर। डे टू में आपकी यात्रा स्टार्ट होगी श्रीनगर से गुलमर्ग के लिए। ये जो आपका टोटल डिस्टेंस होगा श्रीनगर से गुलमर्ग का, ये होगा 56 किलोमीटर का, और लगभग सी लेवल से ये अबव है 2690 मीटर तक का। गुलमर्ग फेमस है अपने विंटर स्पोर्ट्स के लिए, गोंडोला केबल कार राइड के लिए एंड वर्ल्ड हाईएस्ट केबल कार के लिए। तो यहाँ पर जाकर के आप बहुत ही इंजॉय करेंगे, और स्नोफॉल के दिनों में जाएंगे तो क्या कहने, मजे ही मजे आएंगे। ये तीनों अगर आप लोगों ने पहले भी जगह सुनी हुई है तो ये बहुत ही फेमस जगह है कश्मीर के अंदर, श्रीनगर के अंदर। अब नेक्स्ट डे हम चलते हैं वापस, आप ये गुलमर्ग का कंप्लीट करके टूर वापस अपने होटल में आ जाएंगे श्रीनगर में, 56 किलोमीटर वापस। इसके बाद जो थर्ड डे है वो आपकी जर्नी होगी श्रीनगर से पहलगाम के लिए, और ये होगी 95 किलोमीटर के लिए, जो ईस्ट ऑफ श्रीनगर में है, 2400 मीटर है सी लेवल से। इसको हम, इट इज कॉल्ड शेफर्ड वैली के नाम से भी इसे जाना जाता है, शेफर्ड्स की वैली के नाम से। द रिजॉर्ट इज सराउंडेड बाय मेनी प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट, प्लेसेस लाइक बेसरन, बेताब वैली, चंदनवारी एंड आडो। तो ये कुछ फेमस स्थान हैं जो आपको यहाँ पर घूमने को आएगा। तो श्रीनगर पहलगाम की यात्रा आप करके 95 किलोमीटर वापस आएंगे और अपने होटल में ओवरनाइट स्टे करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट डे की हमारी यात्रा स्टार्ट हो जाएगी श्रीनगर सोनमर्ग श्रीनगर। तो श्रीनगर से आपको सोनमर्ग जाना है, ये है करीब 87 किलोमीटर श्रीनगर से, 3 घंटे की जर्नी होगी। सी लेवल से 2800 मीटर पर है ये। यहाँ पर घूमने की मेन जगह है गोल्डन मिडो एट द हेड ऑफ द रिवर सिंड एंड ब्यूटीफुल माउंटेन्स और ग्लेशियर्स आपको देखने को मिलेंगे सोनमर्ग के अंदर। तो ये 4 डे कंप्लीट हो चुका है, ओवरनाइट आप स्टे करेंगे, इंजॉय करेंगे होटल के अंदर। और उसके बाद जो आपका 5th डे है, यहाँ पर आपको चेकआउट करके आफ्टरनून में आपको वापस डिपार्चर के लिए, वापस अपनी जो बेस सिटी है वहां पर आपको पहुंचाया जाएगा श्रीनगर एयरपोर्ट पर, आपको ड्रॉप कर जाएगा, वहां से आप अपनी फ्लाइट लेकर के वापस अपनी जगह पर पहुंच सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जिसका आप वेट कर रहे हैं, इसकी कॉस्ट के बारे में। तो कॉस्ट इतनी इफेक्टिव है कि क्या कहने, बहुत ही सस्ते में आपको बहुत ही अच्छा पैकेज प्रोवाइड किया जा रहा है। ये 3 सेक्शंस में डिवाइड है, पहला है 1 SUV, दूसरा है 2 SUV और एक है टेम्पो ट्रैवलर। तो हम अभी आपको 1 SUV का पैकेज बता रहे हैं, 2 SUV और 1 टेम्पो ट्रैवलर का समझ लीजिएगा। होटल की कैटेगरी डिवाइडेड है। अगर आप बजट की बात करें तो 2 पैक्स यानी कि 2 लोग अगर आप होंगे हस्बैंड वाइफ तो आपको ये 7,250 का पड़ेगा, और अगर आप 4 लोग होंगे तो आपका पड़ेगा 5,750 का, 6 लोग होंगे तो आपका पड़ेगा ये 5,050 का। मतलब अगर आप ज्यादा लोग होंगे तो ये पैकेज आपको और सस्ता पड़ेगा बजट होटल कैटेगरी में। अब आ जाते हैं स्टैंडर्ड कैटेगरी में होटल की। जैसे आपका स्टैंडर्ड कैटेगरी होगा थोड़ा सा अप कर जाएगा, 7,850 2 लोगों के लिए, 4 लोगों के लिए 6,350 और 6 लोगों के लिए 5,600। तो इतना कम में आपका घूमना फिरना हो जाएगा। ये मैं एक व्यक्ति कॉस्ट आपको बता रहा हूँ, ये पर पर्सन की कॉस्ट है आपकी, इतनी कम कॉस्ट है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपको इतनी बेहतरीन होटल फैसिलिटी के साथ घुमाएगा। तो अगर आप बुक करना चाहते हैं इस पैकेज को, बुक कर लीजिए। आगे आप देखिए डिलक्स में थोड़ा सा महंगा हो गया है, 8,450, 4 लोगों के साथ 7,150, 6 लोगों के साथ 6,400, सुपर डिलक्स में 9,250,
दो लोग के साथ 7750, चार लोग के साथ और 7050, छह लोग के साथ। तो जितना आप ज़्यादा करेंगे इसमें लोगों को इन्वॉल्व, अपने साथ ग्रुप लेकर के जाएंगे, उतना ही आपको सस्ता भी पड़ेगा और आप अच्छी तरह से इंजॉय भी कर पाएंगे। जो होटल इसके अंदर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, बजट होटल की बात करें तो अभी होटल बुर्ज हाउस से सिमिलर दिया जाएगा। स्टैंडर्ड होटल्स की बात करें तो आपको ट्राइडेंट रिजॉर्ट या उसके सिमिलर दिया जाएगा। डिलक्स होटल की बात करें तो आपको होटल शिफाफ शिफाफ या सिमिलर दिया जाएगा। और सुपर डिलक्स की बात करें तो होटल रॉयल बट्टू या उससे सिमिलर दिया जाएगा। तो ये होटल सैंपल के तौर पे आपको बताए गए। अब आपको आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या कॉस्ट में इंक्लूडेड है। एयरपोर्ट से पिक एंड ड्रॉप आपका इंक्लूडेड है, एकोमोडेशन इंक्लूडेड है, ट्विन शेयरिंग बेसिस पे दो लोग एकोमोडेट करेंगे, एमएपी बेसिस पे, एमएपी का मतलब ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूडेड होगा। फूड एट द श्रीनगर आपको मिलेगा, विल बी वेज या नॉन वेज जो भी आपकी चॉइस होगी उसके बेस पर मिलेगा। शिकारा राइड की आपको फैसिलिटी मिलेगी। ट्रांसपोर्टेशन रिक्वायर्ड फॉर द लॉजिस्टिक एंड एक्सप्लेन इन द अबाउट, आपको वो जो बताया गया है ट्रांसपोर्टेशन वो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाएगी। इनोवा गाड़ियाँ कौन कौन सी हो सकती हैं, इनोवा टवेरा जो भी आपका पैकेज होगा उसके अकॉर्डिंग एसयूवी टाइप की आपको गाड़ी प्रोवाइड की जाएगी। जो नॉन एसी होगा, ठंड पड़ती है तो वहाँ एसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ड्राइवर कम गाइड आपके साथ हमेशा रहेगा, जो आपको जिस लोकेशन पे ले जाएगा वो आपको आइटनरी के हिसाब से वहां पर आपको गाइड भी करेगा। इसमें सारे टैक्सेस इंक्लूड हैं, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है टैक्स का। आगे हम बात कर लेते हैं टूर में क्या क्या एक्सक्लूडेड है। एयर फेयर ट्रेन फेयर इसमें नहीं है। एनी मील्स अदर देन स्पेसिफाइड, जो आपका ब्रेकफास्ट डिनर है उसके अलावा जो भी आप करेंगे लंच टाइम, क्योंकि आप बाहर रहेंगे तो वो आपको करना पड़ेगा, या बाहर मार्केट में आप कहीं आके करते हैं तो वो आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ेगी। एक्सपेंस ऑफ पर्सनल नेचर सच एज टिप्स आपको देना हुआ, टेलीफोन कॉल्स, लॉन्ड्री या लिकर जो भी आप कंज्यूम करते हैं उसका कॉस्ट आपको खुद बेयर करना पड़ेगा क्योंकि पैकेज में इंक्लूड नहीं है। अदर आइटम जो नॉट स्पेसिफाइड टूर कॉस्ट में, वो जो इंक्लूड नहीं है वो आपको पे करना पड़ेगा। गाइड एंड एंट्री फीस ड्यूरिंग साइट्स, अगर आप अलग से गाइड लेते हैं या एंट्री जो फीस होती है साइट्स पर वो आपको खुद बियर करनी पड़ेगी। तो इस पैकेज को जल्दी से बुक करने के लिए जैसे मैंने आपको पहले बताया, गौरव कुमार जी से संपर्क करिए। इनका नंबर मैं आपको वीडियो को टाइटल में भी दे रहा हूँ, साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं देने जा रहा हूँ। गौरव कुमार जी का नंबर है 8010428280। तो यहाँ पर कॉल करके आप अपने पैकेज को बुक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी इंडिया के और टूर डेस्टिनेशन पे जाना चाहते हैं तो वाईटी भारत पर कमेंट करके आप बता सकते हैं, अपने सुझाव हमसे शेयर कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो तुरंत लाइक कर दो, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करो। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप वीडियो पर कमेंट करके आप पूछ लीजिए, या कोई भी डाउट होता है तो गौरव कुमार जी को आप पूछ लीजिए और अपने पैकेज को बुक करवा लीजिए जैसे कि जितना जल्दी पॉसिबल हो सके। तो मिलते हैं वाईटी भारत के इस तरह के बहुत ही अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए वाईटी भारत चैनल पर। सब्सक्राइब कीजिए वाईटी भारत चैनल को और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए पाने के लिए लेटेस्ट वीडियो, और वो भी बिल्कुल फ्री।